हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आइकॉनिक इंग्लिश। और आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस के बारे में एक्चुअली हम बात नहीं कर रहे, हम बात करने वाले हैं कि कोरोना वायरस से जो अब छुट्टियां पड़ रही हैं, जो इफेक्ट्स हो रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट होने वाला है हमारे एकेडमिक्स पे, और मेरी तरफ से क्या मैसेज है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को लेकर, क्या उन्हें करना चाहिए और किन कैसे इन इफेक्ट्स को वो डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज 467 केसेस अब तक हो चुके हैं कोरोना वायरस के, और प्रिकॉशन सिम्टम सबको पता है, तो वो चीजें मैं रिपीट यहां पे नहीं करने वाली। बात ये है कि हम क्या कर सकते हैं इस चीज को रोकने के लिए। हम अपने घरों पे लॉक्ड हैं, ठीक है। जो लोग लॉक्ड नहीं हैं, उनको क्या करना है कि आप ये मत सोचिए कि गवर्नमेंट हमें हाउस अरेस्ट कर रही है और हमारे लिए बहुत गलत हो रहा है, हमारी बाकी चीजों पे नुकसान हो रहा है, हमें बहुत इफेक्ट पड़ रहा है इन सब चीजों का। तो ये सब सोचने के बजाय आप ये सोचिए कि अगर आप जितना ज्यादा बाहर निकलेंगे उससे आप ही को नुकसान होगा। गवर्नमेंट पॉपुलेशन को कम कर सकती है ये सोच के कि ठीक है यार, लोग मर रहे हैं तो मरने दो, पॉपुलेशन कम होगी, लेकिन नहीं, दे आर प्रिजर्विंग अस, प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम दिस वायरस। क्योंकि अगर इतने ज्यादा लोग मरने लग जाएंगे तो क्या होगा कि हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ जाएगी, लोग सड़कों पे जाके मरने लगेंगे, जैसे कि इटली में इस टाइम हाल हो रहा है। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, हमें क्या करना है गाइज। हमारी यहाँ पे कुछ मेड्स, कुछ सर्वेंट्स सबके यहाँ पे काम करते हैं, किसी के यहाँ झाड़ू पोछे के लिए, किसी के यहाँ बर्तन के लिए, खाने के लिए एंड वगैरह वगैरह, गार्ड्स होते हैं। तो गाइज आप इनको छुट्टी दे रहे हैं या आप इनको जॉब से निकाल रहे हैं कि भाई हमें ना हो जाए, कहाँ कहाँ से काम करके आते होंगे, तो उससे बेटर ये होगा गाइज कि आप उनको सिर्फ सैलरी काटे बिना छुट्टी दें। अगर आप सैलरी काटे बिना उनको छुट्टी देंगे तो क्या होगा कि वो भी निश्चिंत होकर अपने घर में बैठ सकते हैं आराम से, और वो स्प्रेड होने से ये चीजें रोक सकते हैं। अगर आप इनके ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो लोग पैनिक करेंगे कि हमारे पास काम नहीं है, काम नहीं है, और वो काम ढूंढने के लिए, अपना रोजगार ढूंढने के लिए इधर उधर घूमेंगे। और जो आपने सोचा कि हमारा कोरोना वायरस कम हो जाएगा, उसकी वजह से वो और ज्यादा बढ़ने लगेगा, इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मास्क है तो आप, जिन लोगों के पास नहीं है आप उन्हें डोनेट करिए। ये आजकल ऐसा भी हो रहा है कि मास्क की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो रही है, हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत सारे मास्क जो है वो फ्री में प्रोवाइड करे हुए हैं स्कूल्स में और कॉलेजेस में, बट जो लोग दिल्ली में नहीं है या जहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और जो लोग, जिन लोगों को अब तक नहीं मिला है, तो अगर आपके पास है तो आप उनको डोनेट करें, उनको दीजिए कि इसे पहन के घूमो। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप्स लिए हैं गाइज, आप उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। देखिए, जनता कर्फ्यू हुआ था 22 मार्च को, लेकिन क्या किया सबने, उसको नहीं किया फॉलो, तो उसकी वजह से क्या करना पड़ा गवर्नमेंट को, कर्फ्यू लगाना पड़ा। अब कर्फ्यू लगाएंगे तो उससे जो लोग बहुत ज्यादा जरूरत में है वो भी नहीं जा पाएंगे बाहर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, सोच रहे मेरा तो बर्थडे था, मेरा तो ये था वो था, मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो गाइज इस चीज से बाहर निकलने के बाद आपको जो जहां से जो जैसे सेलिब्रेट करना है प्लीज करिए, बट कुछ दिन के लिए एटलीस्ट रुक जाइए, ठीक है। टाइम मैनेज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। हालांकि अब कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि हमारे तो एग्जाम्स हुए नहीं और हमारे तो मजे आ गए और नेक्स्ट क्लास में भी हम प्रमोट हो जाएंगे, लेकिन कब, अभी हम लोगों को छुट्टियां मिली हुई हैं, तो उनको हमें यूटिलाइज करना चाहिए। कैसे यूटिलाइज करें, इंटरनेट पे गाइज आजकल सब कुछ है अवेलेबल। इंटरनेट से आप अपने नेक्स्ट क्लास का, ये मैसेज मेरा पेरेंट्स
और स्टूडेंट्स दोनों के लिए है कि आप अपनी नेक्स्ट क्लास के टॉपिक सर्च करिए, सीबीएसई ने सब कुछ अवेलेबल कर रखा है ऑनलाइन, सर्च करिए और उन टॉपिक्स को वन बाय वन आप अपना क्लियर करते चलो। क्योंकि अब होगा क्या ना कि जब भी स्कूल्स रीओपन होंगे तो हमारे पास टाइम कम होगा तो टीचर्स और मैनेजमेंट क्या होगा कि बहुत जल्दी कोर्स कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। ऐसे में जो एवरेज और वीक स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी ग्रास्प नहीं कर पाएंगे वो चीज़ों को। तो बेटर ये होगा कि आपके पास जो भी सोर्सेज हैं आप उनसे अपनी टॉपिक्स कवर करते चलें, टॉपिक्स कवर करते रहो और समझते रहो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते रहो। जो भी आपके टीचर्स हैं जो आपसे व्हाट्सएप या फिर ऑनलाइन अवेलेबल हैं आपके साथ, आप उनसे वो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि रीओपन होंगे हम तभी कुछ कर पाएंगे, अभी तो हम खाली हैं, हम क्या करें, हम बोर हो रहे हैं, ये वो। आप इंडोर गेम्स खेल सकते हैं और स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे अच्छी चीज़ यही है गाइस कि आप अगले क्लास की या अपने अगले जो भी आपका आगे शुरू होने वाला है करिकुलम, आप उसको सर्च करिए और इंटरनेट पे उन टॉपिक्स को कवर करते चलिए धीरे धीरे, ठीक है गाइस। और पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जब तक भी है घर पे फैमिली टाइम स्पेंड करिए भाई। बहुत सारी चीजें होती हैं, DIY बनाइए, सर्च करिए यूट्यूब पे, और बहुत सारी चीजें हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल है। वेस से आप कुछ डेकोरेटिव बना सकते हैं। जो लोग क्रिएटिव हैं वो ये चीजें सोचिए, जो लोग खाने पीने के शौकीन है अच्छा अच्छा बनाइए खाइए, ठीक है गाइस। तो पैनिक मत करिए और इन ये भी जो भी टाइम है कि आपको घर पर रहना है, गवर्नमेंट का सपोर्ट करिए। और सबसे बड़ी चीज कि अगर आपको साइंटिफिकली किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो आप प्लीज कोई भी रिमर स्प्रेड मत करिए। जब आपको साइंटिफिकली किसी चीज के बारे में पता हो आप तब ही उसे लोगों तक पहुंचाओ, ठीक है। तो बेटर कि आप अपना एंजॉय करें और ज्यादा इस पे वो ना करें, बस स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।